महेंद्र जी, काफी हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट हब के रूप में इस जगह को जाना जा रहा है, जिस तरह से आप आए हैं उसके बाद ये इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो नेतरहाट प्राकृतिक का अद्वितीय सौंदर्य वरदान है, इसको आने वाले समय विश्व स्तर का पर्यटक स्थल हमारी सरकार विकसित करेगी, ताकि आसपास के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले और राज्य की अर्थव्यवस्था में जो पर्यटक स्थल है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आगे प्रमंडल में करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से अगला हम लोग हजारीबाग प्रमंडल के चतरा जिला में करेंगे। सर, लेकिन एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये भी गया है कि नक्सलवाद के खिलाफ, क्योंकि पूरा इलाका जो है नक्सल प्रभावित है, और कैबिनेट की बैठक करके आपने एक मैसेज तो जरूर दे दिया है 0% टॉलरेंस। नहीं, मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लतेहार की जनता, गारू की जनता, जिन्होंने अमन और शांति और चैन चाहता तो प्रशासन के साथ मिलकर इस क्षेत्र में जो शांति लाने का काम किया। इसके साथ साथ ये क्षेत्र विकास से कोसों दूर थी, और हमारी सरकार बनने के बाद वो चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, गारू में आज़ादी के 70 वर्ष बाद पहली बार इस उग्रवाद क्षेत्र में बिजली पहुंची, और 2018 तक हर गरीब के घर में, हर जनजाति समाज के घर में, चाहे समाज का कोई वर्ग हो, हर घर में बिजली। अभी हमारी सरकार ने निर्णय लिया 2019 तक चाहे वो 50 घर का गांव हो, चाहे 100 घर का गांव, उसको रोड कनेक्टिविटी, गांव से शहर का रोड कनेक्टिविटी, जो हमारी बहनें हमारे भाई बना रहे हैं, आप देखें हैंडीक्राफ्ट कितने अच्छे सामान बन रहे हैं। तो यहाँ एक हम लोग एक टूरिज्म हार्ट भी बनाएंगे, ताकि जो हमारे पर्यटक आएंगे, जो हमारे आसपास की दीदी बहनें जो अपनी आर्ट बना रहे हैं उसकी वो बिक्री हो, ताकि जो हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक हर गरीब किसान का आय को दोगुना करो। तो इस क्षेत्र में मैं फिर आऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ की देखी महिलाओं में हनी काफी होता है, शहद, और कंजरिया का शहद जो है यहाँ लतेहार जिला का, और काफी डिमांड है इसका वर्ल्ड में। तो इस हनी के माध्यम से भी दूसरा, इस क्षेत्र में हम पोएट्री फेडरेशन सोसाइटी बनाएंगे महिलाओं की, 300-400 महिलाओं का जो पिछड़ा क्षेत्र है, हर महिला को 4 लाख रुपया देकर जो पोएट्री फेडरेशन से अंडा उत्पादन होगा वो राज्य सरकार शिक्षा विभाग खरीद लेगी, ताकि हमारा गरीब के हर बहन 5000 महीना कमा ले। ये थे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, जिनका साफ कहना था कि न सिर्फ कैबिनेट की बैठक के जरिए यहाँ पर नक्सलवाद के खिलाफ सरकार ने एक सख्त मैसेज दिया है, वहीं दूसरी तरफ विकास की राह को और ज्यादा कैसे पटरी पर उतारा जा सके इसको लेकर के सरकार ने कई ठोस कदम भी उठाए हैं। कैमरा पर्सन केपी सिंह और अपने सहयोगी संजीव गिरी के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, नेतरहाट।